श्लोक पहला। मदालसा अपने बालक से कहती है, तुम प्रबुद्ध और शुद्ध मनुष्य हो, इस भ्रम में मत रहो कि तुम शरीर हो और इस संसार के सारे भ्रमों को छोड़ दो। श्लोक दूसरा। मेरे बेटे, तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम सदा शुद्ध हो, ये नाम तुम पर सिर्फ थोपा गया है, तुम इस पांच तत्वों के शरीर के नहीं हो। श्लोक तीसरा। तुम ब्रह्मांड का सार हो, इसलिए मत रो, यह जो हम देखते हैं वह शब्दों की माया है, यह जान लो कि जो गुण तुम्हें प्रतीत होते हैं वे केवल तुम्हारी कल्पनाएं हैं, तुम्हारी इंद्रियां तत्वों से बनी हैं, तुम खुद पूर्ण पवित्र हो। श्लोक चौथा। चूंकि तुम्हारा शरीर तत्वों से बना है, यदि अधिक तत्व जोड़े जाते हैं तो यह बढ़ेगा और यदि कुछ तत्वों को हटा दिया जाए तो कम हो जाएगा, तुम खुद बढ़ते या घटते नहीं हो, तुम्हारे शरीर के आकार में परिवर्तन भोजन के सेवन पर निर्भर करता है। श्लोक पांचवा। तुम्हारा शरीर एक कपड़े की तरह है, यह हर रोज गलता जाएगा, यह मत सोचो कि तुम ये शरीर हो, तुम इस शरीर से अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जुड़े हुए हो। श्लोक छठवा। कोई तुम्हें पिता कह के पुकारेगा, कोई तुम्हें बेटा कह के पुकारेगा, कोई तुम्हें माँ कहेगा, कोई तुम्हें पत्नी के रूप में संदर्भित करेगा, कुछ लोग तुम्हें अपना कहेंगे और कुछ लोग तुम्हें पराया कहेंगे, ये सभी तत्वों से बने इस शरीर के साथ जुड़े हैं, तुम अपने शरीर के साथ मत जुड़ो। श्लोक सातवा। जो लोग सत्य को नहीं जानते वे सोचते हैं कि भोग की वस्तुएं दुख को दूर कर देती है और सुख देती है, लेकिन बुद्धिमान जानते हैं जो चीज अभी आनंद देती है वो कल दुख देगी। श्लोक आठवा। जो गाड़ी जमीन पर चलती है वो उसके अंदर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है, उसी तरह ये शरीर और उसके अंदर बैठी हुई आत्मा अलग है, तुम इस शरीर के मालिक हो लेकिन इस शरीर से अलग हो, ये मत सोचो कि तुम ये शरीर हो, तुम एक ब्रह्म हो। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस को देखकर हिंदू धर्म के बारे में और जानने के लिए इस ज्ञान कथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें।